तो इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। लेकिन ये करते क्या हैं? ये सवाल मेरे लिए आज तक एक सवाल ही है और हमेशा एक सवाल ही रहेगा, क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज होने के बावजूद हर साल इंडिया में फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। एक डेटा के हिसाब से फिस्कल ईयर 2019 में खाली, आप 2020 में अराउंड 1 लाख करोड़ के ऊपर से ज्यादा के बैंक फ्रॉड्स हुए। तो बात तो बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये रेगुलेटरी एजेंसीज ठीक से काम नहीं कर रही, या इन्हें काम करना नहीं आता, या इन्हें काम करने दिया नहीं जा रहा। कुछ तो है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दीवान हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद पीएमसी बैंक, फिर यस बैंक, और इस बीच कितनी क्लोज हुए जिनका नाम मार्केट में कभी भी नहीं आया। अब होता क्या है कि जब हम किसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमें उस बैंक की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना नहीं आता। बहुत सारे लोग जो है बैंक की एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ 3 चीजें देखते हैं, उसका प्रॉफिट या फिर उसका एनपीए, और इसी चीज का मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स जो है वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो उनका कस्टमर है उसको बैंक की रिपोर्ट देखनी नहीं आती, और वो क्या करते हैं, वो बैंक का जो एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर होता है उसको मिसगाइडेड करते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट जैसे कि फेडरल रिजर्व, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन लोगों ने जो जो यूएस बैंक्स के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट किए हुए हैं, और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज भी है, वो स्ट्रिंजेंट होने भी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे तो यूएस बैंक्स में भी वही होगा जो इंडिया में हो रहा है। अगर आप किसी अमेरिकन बैंक की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए गोल्डमैन सैक्स, और उस एनुअल रिपोर्ट को एचडीएफसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट से कंपेयर करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि दीपक पारिक जो एचडीएफसी बैंक का चेयरपर्सन है वो एक पीएन बनने के भी काबिल नहीं है। एचडीएफसी का चेयरपर्सन तो दूर की बात है, लेकिन फर्क इतना है कि जब भी लोग दीपक पारिक का नाम लेते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, और इन सब लोगों ने अपना एक हउवा बनाया हुआ है, जैसे दीपक पारिक, जैसे इंडसइंड बैंक का सोबती, जैसे राणा कपूर एंड ऑल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ते हैं। 2019 में जब मैं इंडिया में था कुछ दिन के लिए, तो मुझे एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम की तरफ से इनविटेशन आया एक मीटिंग के लिए, और वो मीटिंग बॉन्ड मार्केट की डेवलपमेंट पे मीटिंग थी। तो मैं उस मीटिंग में गया क्योंकि मैं इंडिया में था, और वहां की कमेटी के सेक्रेटरी ने मुझे खुद इनवाइट किया था, तो मैं गया। तो वहां पे एक प्रॉपर कमेटी थी, रूम था, चाय नाश्ते वगैरह का सब प्रबंध था, सिवाय एक चीज को छोड़ के, डिस्कशन को। मेरे ठीक सामने एक सिटी बैंक का बैंकर बैठा था जिसका नाम है संदीप, और वो सिटी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर था बॉन्ड मार्केट का। मैंने जब उससे क्वेश्चन पूछने शुरू किए बॉन्ड मार्केट पे, और आप मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि वो एज में मुझसे कम से कम भी 20 साल बड़ा होगा मिनिमम, यानी वो 56 के आसपास होगा। तो जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछने किए, तो एक वक्त पे उसने एक स्टेटमेंट दिया कि यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेजरी टीम्स बहुत कॉम्पिटेंट है। यस बैंक की ट्रेजरी टीम कितनी कॉम्पिटेंट है ये आपने देखी, और कोटक महिंद्रा बैंक की कितनी कॉम्पिटेंट है वो आप उनके हेज अकाउंटिंग डिस्क्लोजर में देखिए, आपको पता चलेगा। उसके बाद मैंने कई क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज किए उस बॉन्ड मीटिंग में कि इंडिया को अगर बॉन्ड मार्केट बनाना है तो आपको ये चीजें जरूरी हैं, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन रेस किया बेंचमार्क कर्व का और ओआईएस कर्व का। ये मीटिंग शायद जून 2019 के आसपास हुई थी, और उसके बाद मुझे इस मीटिंग में कभी भी इनवाइट नहीं किया गया। खैर, मुझे इस चीज का रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि ऐसी जैसी संस्थाएं, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हो, या फिर फिक्की हो, ये अपना काम तो कर ही नहीं रही है,
वट ये कर क्या रही है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ कॉरपोरेट्स को खुश करने के लिए ये मल्टीपल कमेटीज बनाई हुई हैं। उन कमेटीज में चेयरमैन बॉम्बे से ट्रैवल करके आता है, उसकी टिकट की कॉस्ट, होटल की कॉस्ट, एकोमोडेशन और सब नाटकबाजी पूरी होती है। लेकिन अल्टीमेटली जिस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए वो कंक्लूजन कभी रीच नहीं होता। एंड रिजल्ट क्या होता है कि इंडियन की फाइनेंशियल मार्केट आज सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके आसपास भी कहीं पे खड़ी नहीं होती। मतलब इन तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, इनके आसपास भी ये फाइनेंशियल मार्केट्स कहीं पे खड़ी नहीं होती हैं। अब सिचुएशन एक्चुअली अराइज कहाँ होती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वो अराइज ये होती है कि चार लोग सिर्फ बैंक की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना जानते हैं। पहला रेगुलेटर। इंडिया में रेगुलेटर कितना कॉम्पिटेंट है ये आपने देखा। 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइंस्टीन यंग की कंपनी एसआर पाटली बॉय को कमर्शियल बैंक का ऑडिट करने के लिए डिबार कर दिया था, और यस बैंक का एक टाइम पे जो आपका ऑडिटर था वो भी आइंस्टीन यंग ही था। और आखिरी ऑडिट जो उनका मेरे ख्याल से किया है वो केपीएमजी ने किया है। अब समझने वाली बात यह है कि रेगुलेटर ने जब 2019 में आइंस्टीन यंग को बार किया था तो 2019 का आखिरी ऑडिट इंडसइंड बैंक का ईवाई को बार किया था तो 2019 का आखिरी ऑडिट इंडसइंड बैंक का ईवाई ने कैसे किया? इसका मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात से एग्री कर रहा है कि एज एन ऑडिटर आइंस्टीन यंग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से प्ले नहीं करी, फिर भी इंडसइंड बैंक का ऑडिटर आइंस्टीन यंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और आइंस्टीन यंग नहीं, अगर आप इंडिया के टॉप बैंक्स देखेंगे, इंडसइंड तो एक एग्जांपल है, अगर आप टॉप बैंक्स देखेंगे जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एलेवल, लक्ष्मी विलास बैंक, और ऊपर से लिस्ट निकालेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स में आपको बिग फोर्स मिलेंगे। और आपको एक चीज समझ में आएगी कि बिग फोर्स की नेक्सस इतनी स्ट्रांग है कि इन लोगों ने जानबूझ के बैंक के डिस्क्लोजर को कभी ठीक होने ही नहीं दिया। अब मैं आपको एक और सिंपलिस्टिक एग्जांपल दिखाता हूं कि बिग फोर्स कैसे काम करते हैं बिफोर हम यहां पे आए। मैं एक्सेल की ट्रेजरी टीम में था और वहां पे मैं फ्रंट ऑफिस कवर करता था। हमारे यहां का ऑडिटर ईवाई था और ईवाई हमारा ऑडिट करता था आइंस्टीन यंग का, और ये खुली चुनौती है ईवाई को, अगर वो इसका वीडियो देख रहा हो, उसके पार्टनर का नाम मैं ले सकता हूं लेकिन मैं ले नहीं रहा। ईवाई क्या करता था, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, जो अभी पास आउट होते हैं, जिससे पहले आपका सीए इंस्टीट्यूट में सीपीटी होता है, सीपीटी के बाद मेरे ख्याल से आपका आईपीसीसी होता है, आईपीसीसी के बाद आपकी कुछ 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आपके फाइनल ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है। इसमें कुछ कमी हो जाए तो मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं। तो बेसिकली जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 3 से 5 साल का, जो 3 साल का मेरे ख्याल से जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें कई लोग बिग फोर्स के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसेंटली फ्रेश पास आउट हुए होते हैं, जैसे कि उन्होंने ग्रुप 1 क्लियर कर दिया, बिग फोर ने उन्हें पिक कर दिया, ग्रुप 2 क्लियर कर दिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिग फोर ने उन्हें क्लियर कर दिया। ईएक्सएल एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ईएक्सएल की ट्रेजरी भी अच्छी है। तो आइंस्टीन यंग क्या करता था, सारे नौसिखिए बच्चों को हायर करके ईएक्सएल में भेज देता था। और आप सोचो कि इंडिया में ऑडिट कैसे होता है, और उनको, वो हमारे ऑडिटर थे, स्टेचुरी ऑडिटर, वो सारे नौसिखिए बच्चों को मेरे पास भेज देते थे, क्योंकि मैं ट्रेजरी में मेन डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप्स, फिक्स्ड इनकम, म्यूचुअल फंड सब मैं संभालता था, और मेरी फॉरेन एक्सचेंज में क्या कॉम्पिटेंस है ये आपने यूट्यूब पे देखा, राइट? उसमें क्या होता था कि जब हम उनसे इंटरेक्ट करते थे तो हम उनसे पूछते थे कि सर आप कौन, तो वो बोलता था सर मैंने तो अभी अभी सीए पास करी है। तो मैं बोलता था आपने अभी अभी सीए पास कर लिया तो आपको ट्रेजरी का ऑडिट करने को दे दिया गया। ये मान के चलिए कि ट्रेजरी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी में, और ट्रेजरी का जो ऑडिटर होता है उसके पास बहुत कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अगर उसके पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है तो कुछ भी हो सकता है।
तो एक फ्रेश बच्चा जिसे अभी सीए इंस्टीट्यूट ने पास किया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मैं फैकल्टी मेंबर भी हूं, तो मुझे ये पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कितने तरीके से एफएक्स पढ़ाता है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कोर्स है एफएक्सटीएम, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेजरी मैनेजमेंट, वो कोर्स मेरा ही डिवाइस किया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और कितनी बार मैं उस कोर्स में पढ़ा चुका हूं ऑल इंडिया बेसिस पे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी इंडिया का स्टेट नहीं बचा जिसमें मैंने पढ़ाया ना हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पे। बट अब मैं सिंगापुर चला गया तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता पढ़ाने का, कभी कभी मैं पढ़ा भी देता हूं। तो वो बच्चे जब हमारा ऑडिट करने आते थे तो वो पहले हमसे ट्रेजरी सीखते थे, ना उनको स्पॉट पता होता था, ना उनको फॉरवर्ड पता होता था, ना उनको ऑप्शंस पता होता था, ना उनको नॉन डिलीवरेबल पता होता था। मतलब समझने की बात है, एक ऑडिटर पहले ऑडिटी, क्योंकि मैं तो ऑडिटी हो गया, पहले ऑडिटर ऑडिटी से समझ रहा है और उसके बाद ऑडिट कर रहा है। और होता क्या था कि अपनी सैलरी बचाने के लिए और अपने इनवॉइस बचाने के लिए आइंस्टीन एंड यंग ऑडिट के बाद इतनी लंबी एक्सेल फाइल बनाता था जिसमें सारे पॉइंट्स को रेड कर देता था कि स्पॉट गलत दिया हुआ है, फॉरवर्ड गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मार्क टू मार्केट गलत दिया हुआ है, ये सब गलत दिया हुआ है, और वो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी। मतलब खुद कुछ नहीं आता, लेकिन हमसे सीख के हमारे पर ही एक्सेल बना के। और उसके बाद होता क्या था, इसे इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिट क्वेरीज। उसके बाद क्या होता था, ऑडिट क्वेरीज जो होती थी वो सारी जीरो हो जाती थी, क्योंकि क्वेरी तो कुछ थी नहीं। भाई मैं पायलट नहीं हूं, मुझे पायलट नहीं आता, राइट, मैं फ्लाइंग पायलट नहीं हूं। अगर मुझे कोई कॉकपिट में बिठा दे और वो भी किसी प्लेन में, जो एडवाइस है, मान लीजिए F-16 प्लेन है, F-16 के कॉकपिट में बिठा दे और बोले कि इसमें गलतियां निकालो, तो मैं बोलूंगा यार ये प्लग ठीक नहीं है, ये लाइट ठीक नहीं है, ये जो गियर है ये थोड़ा ठीक नहीं है। अरे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, हु एम आई टू एक्सप्लेन, हु एम आई टू जज। जिस आदमी को पायलट का पी भी नहीं पता वो आदमी पायलट को कैसे चेक कर सकता है। उसके बाद क्या होता था, जब वो बच्चे 3 या 4 साल के बाद ट्रेंड हो जाते थे तो वो बच्चों को आइंस्टीन एंड यंग टेस्टेड कंपनीज में भेज देता था, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जैसे कि स्नैपडील और बड़ी बड़ी कंपनियों में। हमारे यहाँ पे मॉडल इसलिए प्रिविलेंट था कि हमारा बॉस जो था, अब मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, उसके कारण मुझे मजबूरी में आइंस्टीन यंग को सिखाना पड़ता था। एक दिन मैंने गुस्से में जब पूरे फ्लोर पे खड़े होके आइंस्टीन यंग के पार्टनर को बोला कि अब मैं ये ट्रेनिंग मॉडल, मैं इसको ट्रेनिंग मॉडल बोलता था, कि मैं ट्रेनिंग मॉडल जो चला रहा हूं अब मैं नहीं करूंगा, उसके बाद ये बंद हो गया। और उसके 6 महीने बाद मैंने छोड़ भी दिया और फिर मैंने अपनी कंपनी फॉर्म करी, थैंकफुली वी आर अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी नाउ। ये है बिग फोर का ऑडिटिंग मॉडल। और मैं खुलेआम आइंस्टीन यंग को चैलेंज करता हूं कि अगर आइंस्टीन यंग का पार्टनर, उसका नाम मैं ले नहीं रहा, वो समझ गया होगा, अगर वो पार्टनर और सीनियर मैनेजर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अगर ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। ये है हमारे बिग फोर का ऑडिट मॉडल। और हम उम्मीद करते हैं आइंस्टीन एंड यंग, केपीएमजी, डिलॉयट और पीडब्ल्यूसी जो हमारी बुक्स ऑडिट कर रही हैं वो ठीक है। मैं आज भी इस बात को बोलता हूं जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बोला है कि इंडिया में सबसे बड़ा फ्रॉड ये नहीं है कि राणा कपूर पैसे खा गया, नीरव मोदी 15,000 करोड़ लेके भाग गया, चोकसी आज पता नहीं कौन से देश में बैठा है। सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि ये बिग फोर जो फॉरेन एक्सचेंज का ऑडिट कर रही है ये गलत हो रहा है। इसके अंदर जो मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन है ये गलत निकाली जा रही है या ये ग्रॉसली गलत है। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने लोगों को मार्क टू मार्केट पता भी है? कितने चार्टेड अकाउंटेंट फर्म्स जो कॉरपोरेट का ऑडिट करते हैं, जिन्हें बैंक ब्रांच ऑडिट भी बोला जाता है, उनमें से कितने लोग हमें फोन करते हैं एमटीएम निकालने के लिए? इन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि जब ये लोग बैंक का ऑडिट करेंगे ये ठीक करेंगे। तभी मैंने जब एक वीडियो बनाई अभी टिकटॉक पे जिसमें मैंने ये बोला कि इंडसइंड बैंक अब अगला बैंक है जो डिफॉल्ट करेगा। आपने इंडसइंड बैंक की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज देखी है? इंडसइंड ही क्यों, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, कोटेक, एचडीएफसी और एसबीआई।
आप इन पांच, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, कोटेक, एचडीएफसी और एसबीआई, अगर आप इन पांच बैंक्स की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऐड कर ले तो ये 826 बिलियन डॉलर होता है, 826 बिलियन, और इस ये इंडिया की जीडीपी का 40% है, यानी पांच बैंक्स की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज इंडिया की जीडीपी की 40% है। तो अगर मैं पूरे बैंक्स की ऐड करूं तो कहां जाएगी? तो ये एक इंट्रोडक्शन थी कि बैंक्स का जो डिस्क्लोजर होता है उसका डीबी ठीक से प्रेजेंट नहीं किया जाता, और किया भी नहीं जाएगा। और क्यों किया जाए? क्योंकि कोई पूछता नहीं, रेगुलेटर को आता नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 2008 से ही इस लेंस के अंदर है कि वो अपना काम क्या कर रही है। अगर किसी को डाउट हो तो आज वो गूगल खोल के देखे और सिर्फ ये चेक करें कि 2008 के बाद आइंस्टीन एंड यंग पे कितने केस चले हैं वर्ल्ड वाइड, यहां तक कि इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी आइंस्टीन एंड यंग पे केस चले हैं और उनका रिजल्ट भी गूगल पर है। और आइंस्टीन यंग ही क्यों, चाहे वो केपीएमजी हो, वो डिलॉयट हो, वो पीडब्ल्यूसी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंडिया पीडब्ल्यूसी में सत्यम का रोल, सत्यम में पीडब्ल्यूसी का रोल कैसे भूल सकता है? कुछ करोड़ रुपए की एफडी को 5000 पता नहीं कितने करोड़ की एफडी से कंपेयर किया गया, और बाद में उस कंपनी का चेयरपर्सन खुद आके पब्लिक डोमेन में बोलता है कि ये तो फेक है। तो ऑडिटर क्या कर रहा था, तो ऑडिटर क्या कर रहा था उस टाइम पे? लेकिन जब हम बैंक के डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं तो हम ये ट्रस्ट करते हैं कि ये डिस्क्लोजर आरबीआई देख रहा है। अगर ये डिस्क्लोजर आरबीआई देख रहा होता तो क्या आरबीआई को इतनी समझ नहीं है कि 826 बिलियन डॉलर का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर सिर्फ पांच बैंकों की किताबों में है तो इसका डिस्क्लोजर तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए? और अगर आरबीआई इतना ही इफिशियंट काम कर रहा था तो यस बैंक के केस में क्या हुआ ये सबने देखा, ये तो छुपा नहीं ना। किसी भी बैंक में जब हम डिस्क्लोजर की बात करते हैं तो एक माइंडसेट है, खासतौर पे इंडिया में, वो माइंडसेट सीधे जाता है एनपीए। जैसे कि जब मैंने इंडसइंड बैंक पे वीडियो बनाई तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि इंडसइंड का तो ग्रॉस एनपीए 2% है तो ये कैसे डिफॉल्ट करेगा। मैंने कहा ग्रॉस एनपीए के अलावा भी लाइफ होती है। एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको बोलूं कि क्या इंडिया में न्यू दिल्ली में ही सिर्फ लोग रहते हैं? पहले तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, आई थिंक 28 प्लस स्टेट्स हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। इतनी कंट्रीज में कितनी सारी कैपिटल हैं, कितनी सारी स्टेट्स हैं, कितने सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं, करते करते ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ऊपर है आज। तो अगर कोई आज ये स्टेटमेंट दे कि क्या लोग सिर्फ न्यू दिल्ली में ही रहते हैं, ये स्टेटमेंट ग्रॉसली रॉन्ग है। लोग तो बहुत जगह रहते हैं, रहने वाले तो स्कॉटलैंड के कंट्री साइड में भी रहते हैं जहां पे 5 गाय पर एक आदमी होता है या 20 गाय पर एक आदमी होता है, रहने वाले तो वहां भी रहते हैं। रहने वाले तो ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी रहते हैं, जो यहां के आपके एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, जो वेल ट्रेन्ड होके वहां पर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट देने की न्यू दिल्ली में ही क्या आपका लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ग्रॉसली रॉन्ग है। इसी तरीके से क्या कोई बैंक डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका एनपीए कितना है? ये तो ग्रॉसली रॉन्ग है। किसी भी बैंक के डिस्क्लोजर में 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। वैसे तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 4 नहीं होते, 4 से ज्यादा होते हैं, लेकिन टाइम एक फैक्टर होता है कि हम सब कुछ उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देते हैं। तो सबसे पहला पिलर होता है बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट। ये पिलर जो होता है, इस पिलर का जो ऑनर होता है वो होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये पिलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑन करती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? एक ऐसी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। इन्वेस्टर को बचाने के लिए नहीं, अपना पैसा कमाने के लिए।
किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आज कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर का पैसा डूबा नहीं डूबा, जैसे कि 81। एक बात बताओ कि किसने, क्या ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इन्वेस्टर्स को वार्न करना कि आप यस बैंक के 81 में पैसा मत लगाओ? क्या ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इन्वेस्टर को वार्न करना कि 81 डिफॉल्ट हो सकता है, आप अपना पैसा विड्रॉ करा लीजिए? क्या ये इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि यस बैंक के ऑन गोइंग बेसिस पे एनुअल रिपोर्ट चेक करना और इन्वेस्टर को वार्न करना कि ये बैंक डिफॉल्ट कर सकता है या इसके डिस्क्लोजर सही नहीं है? लेकिन वो हर साल एक इनवॉइस जरूर भेज देंगे यस बैंक को कि वो इनवॉइस वो पे कर दे इन्वेस्टर के या तेल लेने, एज सिंपल है। इन्वेस्टर को दे डोंट बॉदर, और इन्वेस्टर भी खुद नहीं बॉदर, क्योंकि इन्वेस्टर उन लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। एक चीज जो मैं फियरलेसली हमेशा बोलता हूं, एंड आई नेवर वरीड, क्योंकि ट्रेजरी कंसल्टिंग एक फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी है। हम ना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। हम किसी भी कोर्ट में, चाहे वो इंडिया हो या वो इंडिया से बाहर हो, किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी भी बैंक को चैलेंज करने की पोजीशन में 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन रहते हैं। तो चाहे वो कोई भी बैंक हो, अगर आज यूएस का कोई बैंक भी हमें चैलेंज करेगा तो हम उसको बेसल 3 में तक चैलेंज कर सकते हैं और उसकी मिस्टेक्स गिना सकते हैं, क्योंकि हम खुद बैंक बनने जा रहे हैं। क्योंकि हम खुद बैंक बनने जा रहे हैं इसलिए हमें बैंक का एक सुई जितनी स्पेस के बारे में भी पता रहता है कि बैंक कैसे चीजें मैनेज करता है। जैसे कि अगर आपने यूट्यूब देखा होगा, किसी भी स्पीकर ने यस बैंक के ऑडिट में स्विफ्ट सिस्टम्स के पॉइंट को नहीं उठाया सिवाय हमारे, और हम हमेशा इस पॉइंट को उठाते हैं। हमने नीरव मोदी के टाइम पे भी पॉइंट को उठाया था कि स्विफ्ट सिस्टम के डिस्क्लोजर पब्लिक डोमेन में होने चाहिए और ये स्टेचुरी ऑडिटर का पार्ट होना चाहिए, लेकिन किसी ऑडिटर ने नहीं उठाया, किसी स्पीकर ने नहीं उठाया। मैं ये नहीं कहता कि बाकी स्पीकर गलत हैं, लेकिन बाकी स्पीकर उस चीज को किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से लिंक कर रहे हैं। वो एक उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस एक इंसान से उसको लिंक कर रहे हैं, लेकिन वो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कितना ठीक है या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो स्विफ्ट ऑडिट का है, जिसमें ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व रहती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर इन्वॉल्व रहता है। दैट इज, तो बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलू हिंदी में, कि एक ऐसी चीज, अगर आज बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक का जो क्रेडिट एक्सपोजर है, बेसिकली जो उसने पैसा लोगों से लिया हुआ है, वो कितना सॉल्वेंट है। यस बैंक के केस में हम सबने देखा कि बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट कितनी इफेक्टिवली की गई थी। बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे इसमें कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैक्रो प्रोफाइल, बैंक से रिलेटेड पूरी मैक्रो प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल और क्वालिटेटिव एडजस्टमेंट्स। कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ये ड्यूटी होती है कि वो फाइनेंशियल प्रोफाइल और क्वालिटेटिव एडजस्टमेंट के साथ एक और चीज देखे, वो है क्वांटिटेटिव एडजस्टमेंट, लेकिन वो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं कि अगर वो इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे तो जो वो क्रेडिट रेटिंग दे रहे हैं वो कभी नहीं होगी। एग्जाम्पल दीवान हाउसिंग, एग्जाम्पल IL&FS, एग्जाम्पल यस बैंक। इन तीनों केसेस में बैंक के डिफॉल्ट होने से पहले या उस इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्ट होने से पहले तक इन्वेस्टर को यह नहीं पता था कि ये इंस्टीट्यूशंस आर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट की जो डिस्क्लोजर था वो पब्लिक डोमेन में नहीं था, और अगर वो पब्लिक डोमेन में था भी तो वो एप्रोप्रिएट नहीं था। बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, और किसी भी बैंक को असेस करने के लिए, उसकी क्रेडिट वर्थिनेस को असेस करने के लिए। इसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ ये रहता है कि कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको इस कर्व से कभी कॉन्टैक्ट नहीं करती, जिसे बोलते हैं CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। आज चाहे वो यूरोप का टॉप बैंक हो, यूएस का टॉप बैंक हो, या किसी भी साउथ ईस्ट एशिया का टॉप बैंक हो, उसको इन दो इंडेक्सेस के साथ कंपेयर किया जाता है।
आई ट्रैक्स एंड आई बॉक्स, इन दोनों इंडेक्सेस की मूवमेंट को उस कंपनी की मूवमेंट के, कंपनी के शेयर प्राइस और क्रेडिट वर्थिनेस की मूवमेंट के साथ एक्सेस किया जाता है, लिंक किया जाता है, और वहां पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि इस मूवमेंट का, उस जो आईट्रैक्स और आईबॉक्स का मूवमेंट है उसका कितना वो है। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये दोनों सिर्फ दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं और सबको ये कंपेयर करते हैं, लेकिन इनका जो डिस्क्लोजर होता है, एग्जाम्पल अगर आज मैं आपसे पूछूं, यस बैंक एक लिस्टेड स्टॉक था, सबको पता है, यस बैंक के लिस्टेड स्टॉक को किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आईट्रैक्स से कंपेयर किया, आईबॉक्स से कंपेयर किया, सीडीएक्स से कंपेयर किया और उसके डिस्क्लोजर को पब्लिक डोमेन में डाला? किसी ने नहीं। और वो डालते भी क्यों? क्योंकि 99% लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, उनको खुद ही नहीं पता कि यह चीज एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, मुझे पता है CFA की बुकिश डेफिनेशन है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बट मेरे लिए वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, FRM, फालतू रिस्क मैनेजमेंट, GARP, इन सब डिग्रीज के अंदर सब कुछ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल जीरो। इसलिए हम अपने वीडियो कोर्सेज अब लेके आ रहे हैं मार्केट में टू इंप्लीमेंट द प्रैक्टिकल। मैं आज ये खुला चैलेंज करता हूं कि किसी भी बैंक जो इंडिया में है उसका बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट की पूरी मेथोडोलॉजी, इंक्लूडिंग द लिंकिंग विद द आईट्रैक्स और आईबॉक्स, अगर वो पब्लिक डोमेन में है तो मेरा ईमेल, मेरा फोन नंबर है 9899242978। और मेरे हिसाब से ये रेगुलेटरी को मैंडेटेड करना चाहिए कि इस पार्ट को पूरे का पूरा पब्लिक डोमेन में लाया जाए और सब्जेक्ट टू ओपन डिस्कशंस रखा जाए। जैसे कि अगर कोई भी कोर्ट अपना जजमेंट देती है, उस जजमेंट को चैलेंज करने का जुडिशरी में एक प्रोविजन होता है। एग्जाम्पल, आप एक लोकल कोर्ट में गए और आपने, आप उनकी जजमेंट से, एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में सबसे पहला NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके बाद NCLAT है, नेशनल कंपनी एपिलेट लॉ ट्रिब्यूनल, उसके बाद आप उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और अगर आप वहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप प्रेसिडेंट तक लेवल तक जाके उसको चैलेंज कर सकते हो। यानी बनाने वाले ने बहुत अच्छा करके चार लेवल ऑफ हायरार्की बनाया कि मतलब NCLT विद ड्यू रिस्पेक्ट ये नहीं सोच सकता कि आज वो जजमेंट दे रहा है तो वो जजमेंट चैलेंज नहीं हो सकती। कई जजमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में चैलेंज भी की गई है और करनी भी चाहिए अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। जुडिशरी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप आगे उसको चैलेंज कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, किसी के प्रति कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इसी तरीके से इसका जो डिस्क्लोजर है वो पब्लिक डोमेन में मैंडेटरी होना चाहिए और उसको चैलेंज्ड का प्रोविजन भी होना चाहिए कि एग्जांपल आज HDFC बैंक का बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट पब्लिक डोमेन में है और अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसकी रिपोर्टिंग NFRA, जिसे नफरा भी बोलते हैं, RBI, SEBI या किसी भी एक ऐसी संस्था को कर सकते हैं रिटर्न में। जब हमारे यहाँ RTI का प्रोविजन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इसका क्यों नहीं है? इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इज क्रेडिट असेसमेंट मैट्रिक्स। क्रेडिट असेसमेंट मैट्रिक्स एक बहुत जरूरी मैट्रिक्स होती है, आप इसे समझिए। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो है। मान लीजिए HDFC बैंक ने आज 2,80,000 करोड़ का डेट बेसिकली फंडिंग मार्केट में की हुई है, 2,80,000 करोड़ की, और उस फंडिंग को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं जनवरी 20, फरवरी 20 और आज हम मान लेते हैं 14th मार्च। इसमें AAA 20%, AA 20%, A 10%, BBB
10%, B 20%, P 20%. Total 100%. जनवरी फरवरी 20 में ये चेंज हो गया, ट्रिपल ए 15%, 25%, 10, 10, 20, 10. मैं फिर रिपीट कर दूं, ये एक हिपोथेटिकल एग्जांपल है। इसका मतलब इन्वेस्टर देख सकता है कि 5% फंडिंग जो ट्रिपल ए रेटेड कंपनी में की गई थी, अब मतलब जो जनवरी एंड में की गई थी, अब वो फंडिंग 5% कम हो गई है। इसका मतलब कि वहां की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है। मान लीजिए आज 14 मार्च है और आज ये होता है, मान लीजिए ये हो जाता है 5%, ये 25 का हो जाता है 5% और ये हो जाता है 40%। इट मींस डबल ए ट्रिपल ए और डबल ए में कंसिस्टेंट डिक्लाइन आया है। और अब यहां इसे बोलते हैं क्रेडिट असेसमेंट मैट्रिक्स, कई लोग इसे क्रेडिट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बात एक ही होती है। ये मैट्रिक्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए या किसी भी डिस्क्लोजर या किसी भी रेगुलेटरी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर ये असेस करना कि कोई भी बैंक अपनी जो फंडिंग बुक चला रहा है, देखिए एचडीएफसी की फंडिंग बुक बहुत बड़ी है, इंडसइंड की बहुत बड़ी है, आईसीआईसीआई की बहुत बड़ी है, एसबीआई की तो खैर बहुत ही बड़ी है, और सब अगर इनका क्रेडिट असेसमेंट मैट्रिक्स पब्लिक डोमेन में हो तो हम इस पे एक टेक्निकल कॉल ले सकते हैं अपना फंड लगाने से पहले। फिर चाहे वो शेयर प्राइस हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो एफपीओ हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मैं खुली चुनौती देता हूं कि ये मैट्रिक्स अगर किसी भी बैंक ने अपने डिस्क्लोजर में प्रॉपर दिया हो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कि जनवरी 19 से आज तक, लेकिन कोई नहीं देगा क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये मैट्रिक्स पब्लिक डोमेन में आ गया उस दिन जो हमने मार्केट कैप, एक मैं आपको रेशियो बताता हूं, एक रेशियो होती है बैंकिंग में मार्केट कैप टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि अगर आपकी डिपॉजिट एक रुपए का है मान लेते हैं तो आपकी मार्केट कैप कितनी की है। इंडिया में ऐसे ऐसे बैंक हैं जहां पे ये रेशियो 8 times तक पहुंची हुई है, 8 times, यानी कि अगर आपके पास डिपॉजिट एक रुपया है तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 रुपए है। ऐसे ऐसे बैंक्स इंडिया में है। ये हाईली लेवरेज ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि कल को इस 1 रुपए का जो आपके पास डिपॉजिट था आपने उस 1 रुपए के डिपॉजिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया, मान लेते हैं 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे, और इनको आपने 4 अलग अलग कस्टमर को दिया, कस्टमर 1 कस्टमर 2 कस्टमर 3 कस्टमर 4, और मान लेते हैं ये 2 कस्टमर बंद हो गए, डिफॉल्ट कर गए, आपका पैसा लेकर भाग गए बैंक, नीरव मोदी और चौकसी एग्जांपल। अब आपका जो 1 रुपए का डिपॉजिट था वो आपका 50 पैसे का हो गया, और जब आपका 50 पैसे का डिपॉजिट हो गया लेकिन आपकी मार्केट कैप तो उसकी 8 times है, इसका मतलब जो क्रेडिट असेसमेंट मैट्रिक्स है वो चेंज होगा क्योंकि कस्टमर तो भाग गया, वो चेंज होगा तो आपकी मार्केट कैप चेंज होगी, और अगर आपकी मार्केट कैप चेंज होगी तो जो आपने नाटक बनाए हुए हैं मार्केट में कि हम इतने बड़े बैंक हैं, हम फलाने बैंक हैं, हमने 2 करोड़ की पेंटिंग ले ली, हमने 128 करोड़ का घर ले लिया, हम BMW से नीचे नहीं चलेंगे, वो कैसे होगा, फिर वो सब तो बंद हो जाएगा ना। और ये ट्रांजिशनी मैट्रिक्स जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तब तक यस आज यस बैंक है, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और मेरे हिसाब से इस ट्रांजिशनरी मैट्रिक्स को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए भी मैंडेटरी करना चाहिए और इनको उनकी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड में 44 के 44 म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाएं तो वो हर महीने अपने पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर अपनी वेबसाइट पर देते हैं एनएवी के साथ,
और उस पोर्टफोलियो में प्रॉपर वो देते हैं कि हमारा इतना 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 पैसा हमने यहां पे लगाया हुआ है। जब म्यूचुअल फंड्स में ये पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर विद रेटिंग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, ये एक अलग बात है कि हमें से कितने लोग उसको देखते हैं, तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकती? ये कोई नई प्रैक्टिस तो नहीं है भाई? अगर मैं पेटीएम नहीं कर सकता तो गूगल पे कर लेता हूं, गूगल पे नहीं करता तो फोन पे कर लेता हूं। मोर और लेस हुआ है तो तीनों सेम ही प्लेटफॉर्म, एक वॉलेट प्लेटफॉर्म है, एक दो यूपीआई प्लेटफॉर्म है। अब समझने वाली बात यह आती है कि कभी भी इस इश्यू पे आपको किसी भी मीडिया चैनल पे डिस्कशन नहीं मिलेगा, और कोई इस इश्यू को उठा के राजी नहीं है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो जानती है कि जिस दिन ये डिस्क्लोजर पब्लिक डोमेन में आ गया उसी दिन वो मर गए, क्योंकि फिर इनको ये भी बताना पड़ेगा कि इन्होंने ट्रिपल ए से डबल ए क्यों की और डबल ए से ए क्यों करी, क्योंकि फिर तो आरटीआई हो जाएगी कि भाई आपके बैंक में ये 20 था, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया। कोई आदमी आरटीआई डाल देगा राइट टू इंफॉर्मेशन की, एक बार बताओ कि कौन से कस्टमर के कारण ये 5 हुआ, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बतानी पड़ेगी, इसलिए पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं, हमें पता नहीं, और जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा तब तक फ्रॉड चलता रहेगा एज यूजुअल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन जो किसी भी बैंक के लिए होता है वो होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, और मैं हमेशा से ही कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस करता हूं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का पूरा डिस्क्लोजर पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। मैं आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज पूरा नहीं बता सकता क्योंकि इसको बताने के लिए ही कम से कम 5 घंटे से ज्यादा का समय चाहिए, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा जरूर समझाऊंगा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला ट्रेड फाइनेंस, जिसमें बैंक गारंटी, एसबीएलसी, स्टैंड बाय बैंक गारंटी, श्योरिटी बॉन्ड्स, एलसी और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफएक्स, जो बैंक अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए मार्केट में लेता है, और एफएक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आई नो आपका आंसर होगा फॉरवर्ड और ऑप्शन। एफएक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिलीवरेबल नॉन डिलीवरेबल, और डिलीवरेबल नॉन डिलीवरेबल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, डेरिवेटिव्स की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है बहुत, और अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप हमारी वेबसाइट का नाम नोट करें www.fixedincome.global, यहां पे डिटेल्ड इसमें एक होगा एफएक्स डेस्क, वहां डिटेल्ड है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पिछले एक साल से दुनिया भर में एक डिस्कशन चल रही है और उस डिस्कशन का नाम है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, यूएस में उसको बोलते हैं CECL, करंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इस बात को परमिट करता है कि कंपनीज को ECL और CECL निकालना चाहिए, और इस बात पे भी डिस्कशन चल रही है कि जितने भी ट्रेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आज आप इंडिया के किसी भी बैंक में देखेंगे तो आपको एक वैल्यूएशन तो बहुत दूर की बात है, आपको सिर्फ इतना नहीं मिलेगा कि आज खड़े होके, जैसे कि आप आज किसी एक बैंक को, कोई भी एक बैंक पकड़ लीजिए इंडिया का, और उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, उसमें पूरी कोशिश कीजिए देखने की कि उसका ट्रेड फाइनेंस डिस्क्लोजर कहां है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 180 करोड़ की एफडी रेस की हुई है, और उस 180 करोड़ की एफडी में 180 करोड़ 1800 करोड़ है, 1800 करोड़ में 600 ये है, 200 ये है, 400 ये है, ये और इसके पूरा टेनर की बीजी आज से लेके 10 साल तक की, आज से लेके 10 साल तक की प्रॉपर, जिसे एजिंग बोलते हैं, यह आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन यह मिल गया
उस दिन तो आप गए काम से। अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आई है कि यस बैंक का जो टोटल ट्रेड फाइनेंस एक्सपोजर था वो किसकी किताब में जा रहा है। अभी तक YouTube पे कितने चैनल्स हैं जो इतने बिजी हैं कि वो यस बैंक को ज्योतिराजन सिंधिया तक से जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो है कि नहीं है, लेकिन मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो गवर्नमेंट से ये पूछ सके कि इसका डिस्क्लोजर तो बता दो। और ये जो आपने इश्यू किया हुआ है, ये लेगा कौन? अगर मैं ये मान के चलूं कि 2,41,000 करोड़ की उसकी लोन बुक थी, चलो मैंने मान लिया कि ये नंबर ठीक है, इसमें ट्रेड फाइनेंस कितना था और किस किस को दिया हुआ था? कौन से बेचारे मजबूर लोग हैं कि जो आज ये रो रहे होंगे कि इस ट्रेड फाइनेंस का हम करें क्या? लेकिन ये डिस्क्लोजर आपको इंडिया के बैंक्स में कभी नहीं मिलेगा। और इंडिया के बैंक्स की बैलेंस शीट कौन बनाता है? बिग फोर। वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने ये दे दिया उसी दिन ये आरटीआई का पार्ट हो गया। जैसे कि अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या मेरे ख्याल से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक डेलिब्रेट पॉइंट निकाला कि ऑडिटर एक और सर्टिफाई करेंगे कि जिन कंपनीज की किताबों में डेट है वो सॉल्वेंट है कि नहीं है। किस ऑडिटर की बात कर रहे हो? जिसने यस बैंक का ऑडिट किया था? किस ऑडिट की बात कर रहे हो? जिसने पीएमसी का ऑडिट किया था? और किस सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो? मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को यह चीज पता है कि नहीं पता। 2 साल पहले कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन आया था जिसके अंदर एक इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट मांगा गया था, रिस्क से रिलेटेड एक क्लॉज लगाया गया था और उसका प्रॉपर ऑडिट भी होता था लिस्टेड कंपनीज के लिए। लेकिन उसके होने के बावजूद आज हम यहां खड़े। रही बात एफएक्स की, तो एफएक्स मार्केट में 4 तरीके का एमटीएम होता है, L1, मार्क टू मार्केट, L2, मार्क टू मैट्रिक्स, L3, मार्क टू मॉडल। आज कोई भी बैंक SBI बोलते हैं कि मेरे पास इतने हजार करोड़ का एफएक्स है, उसकी एमटीएम का है मार्क टू मार्केट। और एमटीएम क्यों? मार्क टू मार्केट भी एमटीएम है, मार्क टू मैट्रिक्स भी एमटीएम है। ध्यान से देखिए, एमटीएम, एमटीएम, L3, एमटीएम, ये भी एमटीएम है। तो किस एमटीएम की बात कर रहे हो? L1 की, L2 की, L3 की, किसकी बात कर रहे हो? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा HSBC बैंक का, चाहे कई जगहों पे मेरे और HSBC के विचार आपस में नहीं मिलते और मैं बहुत जगहों पे उनसे डिसएग्री भी करता हूं, लेकिन एक चीज की तारीफ मैं सबके सामने हमेशा करता हूं कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का सबसे बेस्ट डिस्क्लोजर आज तक मैंने HSBC की बुक्स में देखा है। गोल्डमैन सैक्स और JP Morgan को भी इतना अच्छा डिस्क्लोजर नहीं देते देखा जितना HSBC की बुक्स में होता है। HSBC मेरी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से सिवाय इकलौता बैंक है जो ट्रांजिशनी मैट्रिक्स तक प्रोवाइड कराता है, यानी कि अगर आपकी बुक्स में एक MTM है तो वो यहां तक आपको प्रोवाइड कराते हैं कि L1 से L2 में कितना शिफ्ट हुआ, L2 से L3 में कितना शिफ्ट हुआ या वाइस वर्सा। और इस बात के लिए मैं HSBC को हमेशा ही क्रेडिट देता हूं कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव वो करते हैं। इसको हमारी टेक्निकल भाषा में मार्क टू मार्केट ट्रांजिशनरी मैट्रिक्स बोलते हैं और ये सिर्फ मेरी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से एक ही बैंक निकालता है। लेकिन गलती से आप ये इंडियन बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट में देखने मत लग जाना, क्योंकि इंडियन बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट में जो हेज अकाउंटिंग से रिलेटेड डिस्क्लोजर है वो भी पैथेटिक है। कोटक महिंद्रा बैंक की एनुअल रिपोर्ट में जाके हेज अकाउंटिंग के डिस्क्लोजर देखिए। एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट होने के नाते आपको अपने पे शर्म आ जाएगी कि मतलब ये है, हो क्या रहा है। इंडसइंड, HDFC ये तो अलग ही है, इनको तो छोड़ ही दो, मतलब ये तो लीक से ही बाहर है। जैसे कि दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस लीक से ही बाहर थी,
सबको पता था कि दिल्ली इलेक्शन जो है वो केजरीवाल और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस तो गेम में ही नहीं थी, एक या दो सीट। इसी तरीके से जब हम हेच अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इंडसइंड और एचडीएफसी ये तो लीग में ही नहीं होते हैं। और एसबीआई की तो बारे में तो मैं बोलू ही क्या, वो तो एक अलग ही चीज है। एसबीआई की तो एनुअल रिपोर्ट इतनी फंटेस्टिक तरीके से बनी हुई है कि पढ़ने से पहले तो एक पेन किलर लेनी पड़ती है कि भैया ऐसा है कि सरदर्द पक्का होगा, एक पेन किलर ले लो, क्योंकि ये समझ तो आनी नहीं है। इस तरीके से एसबीआई की एनुअल रिपोर्ट डिवाइस की गई है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का अगर आज मैं अगर आपको जो मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट देखी जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड और एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, सॉरी मैं पांचवे का नाम भूल गया, जो वो टोटल $826 बिलियन था, अगर मैं इसका मार्क टू मार्केट निकालूं तो कितना आएगा? आप मेरे कहने पे सिर्फ इसका एक पैसे का इंपैक्ट निकालिए, एक पैसे का। ये देखिए मैं आपके सामने निकालता हूं, 826 × बिलियन है, एक बिलियन में 1000 मिलियन, आज रुपी चल रहा है 74, समझिए 826 × 1000 × 10⁻⁶ × 74 और ये एक पैसा, ये एक पैसे का इंपैक्ट है खाली। कि अगर मार्क टू मार्केट एक पैसा घूम गया सिर्फ, तो सोचिए कितनी बड़ी फिगर आएगी, कितने करोड़ की फिगर आएगी अगर एक पैसा घूम गया। और अगर 10 पैसे घूम गए, अगर पूरा रुपया ही घूम गया, लेकिन हम चार्टेड अकाउंटेंट हैं, हम सीएफए हैं, हमारे पास सारी डिग्री है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का जो मार्क टू मार्केट होता है वो इंटरनेशनल बैंक्स पब्लिक डोमेन में डालते हैं, पूरा नहीं डालते लेकिन बहुत हद तक डालते हैं, लेकिन हम तो वहां तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन हम बैंक हैं, लेकिन हम बैंक हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसल थ्री का पिलर डिस्क्लोजर, पिलर थ्री मार्केट रिस्क, और इसके लिए मैं अगर जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, सिटी बैंक, किसी का भी नाम लूं तो सभी ऑलमोस्ट सेम है, बहुत अच्छा डिस्क्लोजर देते हैं। हर इंटरनेशनल बैंक पिलर थ्री का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन लॉन्च करता है। आज आपको मेरे में बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए जेपी मॉर्गन पिलर थ्री डिस्क्लोजर 2019, आपको उनके एनुअल रिपोर्ट तो मिलेगी लेकिन वो पिलर थ्री का अलग से डिस्क्लोजर मिलेगा जिसमें वो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि पिलर थ्री है ये पोजिशन थी, हमने वैल्यू एट रिस्क ये लिया, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ये लिया, इसमें हमारी ये मूवमेंट है, डीवी 01 ये है, पीवी 01 ये है, प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं बेसल थ्री कंप्लायंट में। लेकिन हमारे बैंक हर एनुअल रिपोर्ट में बेसल थ्री लिख देते हैं और बेसल थ्री के नाम पे, मतलब हमारे बैंक में बेसल थ्री उतना ही है जितना हमारे पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट का काम करते हैं। दैट इज उतना ही काम हमारे बैंक बेसल थ्री में करते हैं जितने हमारे पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट, जितना ध्यान इंडिया के पॉलिटिशियंस का डेवलपमेंट में है उतना ही ध्यान इंडियन बैंक्स का बेसल थ्री के डिस्क्लोजर में है। लेकिन एक भी बिग फोर, एक भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि बेसल थ्री की डिस्क्लोजर सिर्फ बिग फोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक डोमेन में आए, लेकिन वो कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब मैंने टिकटॉक पे बोला कि ये बैंक डिफॉल्ट होगा, या मैं कभी भी किसी बैंक के बारे में कोई स्टेटमेंट देता हूं, तो मैं सिर्फ ग्रॉस एनपीए नहीं देखता, ग्रॉस एनपीए तो ये लोग देखते हैं,
समझ गए ना सी का मतलब क्या होता है? या बताओ, क्रॉस एनपीए सिर्फ ये आदमी देखता है? अगर आज कोई आदमी ये स्टेटमेंट दे, इस समझने की बहुत जरूरत है कि बैंक के डिफॉल्ट का पैरामीटर ग्रॉस एनपीए नहीं होता। बैंक के डिफॉल्ट का पैरामीटर ये चार बेसिक डिस्क्लोजर्स होते हैं। अगर आज कोई मुझे बोलता है कि 2% यू नो का उसका ग्रॉस एनपीए है, वो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो वो ये है। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट दिया गया? नहीं। क्या क्रेडिट असेसमेंट मैट्रिक्स या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एक्टिविटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स, अगर मैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एक्टिविटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे बोलना शुरू करूं, तो बॉस मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि मुझे कम से कम एक दिन चाहिए आपको समझाने के लिए। और ये मैं ओपन चैलेंज करता हूं आप सबको कि आप कोई भी बैंक की एनुअल रिपोर्ट खोल के देखें, उस पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एक्टिविटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स सर्च करके मेरे को बताएं। तीसरा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो भूल ही जाइए कि अगर पांच लोगों की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 826 बिलियन है, तो उस पे अगर मैं एक पैसे का इंपैक्ट निकालूं और पूरा इंपैक्ट निकालूं, फिर तो पता नहीं। और पिलर थ्री का डिस्क्लोजर कितना इफेक्टिवली दिया जाता है तो ध्यान से देखिए। देखिए सर, एक चीज हमेशा ध्यान से समझिए कि बैंक का जो डिस्क्लोजर है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ये ठीक से बोलू तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं कर रहे हैं। बिग फोर्स कितनी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं ये तो हम सबने देखा, हम सबने देखा, देखा कि हम देख ही रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है ये भी हमने देखा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने पिछले पांच साल में कितने फ्रॉड हुए और उन्होंने कितने एक्शन लिए ये भी हमने देखा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किस लेवल तक उसकी डिटेलिंग करता है ये भी हमने देखा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी किसी बैंक में लगाते हैं, तो जब हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी किसी बैंक में लगाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देखें कि ये असेसमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं या नहीं प्रोवाइड की गई। और अगर नहीं प्रोवाइड की गई तो हम तुरंत बैंक के सीईओ को मेल लिखें या आरटीआई के माध्यम से या किसी भी तरीके से पता लगाने की कोशिश करें ये क्यों नहीं दी गई। या हम रिजर्व बैंक को भी मेल लिख सकते हैं, विद दिस वी थैंक यू वेरी मच। यू नो माई मोबाइल नंबर +91 9899242978। यू नो माई ऑल्टरनेट नंबर +91 9818485155। हमारी OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप TRFX अकेडमी दो वीडियो कोर्स लॉन्च करने जा रही है। पहला ऑप्शन डेरिवेटिव्स 800 का, दूसरा इक्विटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बेसिक सीरीज अराउंड 500 का, जिसमें हम उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जून तक हम इतने सारे वीडियो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं कि बिग फोर को ये जानकर बेहद दुख होगा कि जून तक इंडिया का हर बच्चा ये जानेगा कि बैंक की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा कैसे जाता है। ये मेरा प्रॉमिस है। विद दिस वी थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम। गुड नाइट। At onset, we thank you very much for watching this video. The purpose of the Treasury Consulting Group YouTube channel is to spare a lot of knowledge, and that too practical knowledge in the public domain. We feel that the current education system in majority of the countries of the globe believes in degree, but we believe in knowledge. People often ask what Treasury Consulting does. Treasury Consulting is a Singapore multinational headquartered group wherein we currently have three legal entities, which is Singapore, India and Hong Kong. Eventually, in this year, we are planning a British entity and two OBRs, which is Overseas Bank Representative.
which one in Germany, one in Greece, tentatively. On knowledge front, we do offer a lot of stuff. We had our fixed, we are having our fixed income platform, www.fixedincome.global, wherein around 62 plus live trading desks are there. And by December 2021, which is approximately 2 years from here, in a phased manner, about 100 plus, which is about 38 more will come. So in another 2 years, around 100 plus desks would be live. We do have around 200 plus training courses covering various topics which are available live on our fixed income platform. Currently, we offer in 5 parts, which is functional trainings, forensic trainings, regulatory trainings, information technology trainings, and technological trainings. More trainings are coming. Apart from that, we do offer MTM desk, which is mark to market of derivative, consultancy, project implementation, treasury management system, almost everything which we are coming. And more product domains are coming. On a knowledge basis, Treasury Consulting hold our Hedge Fund Academy, which is 182nd platform. We hold our Audiobook Academy, which is known as Audiobook. We are coming up with our OTT platform, which is Over the Top, which we titled as TRFX. And it would be completely different than we have Amazon and Netflix, due respect to both companies. Our investment bank, hedge fund, it is also coming. More importantly, we operate 44 plus WhatsApp groups, and where we cover the books, the magazines, the bank research reports, I would say the GST, the corporate finance, the educational videos, the treasury, derivative, financial markets, synthetic derivative, and whatnot. All these 44 WhatsApp groups are linked with a thread. So if a member of one group wanted to join another group, he can freely join that group. There is no. We do operate almost daily derivative email. You are welcome to join our group. But once again, this group is subject to invitation and we will see your profile. We scrutinize your profile. So it is not for all. It is based upon the people, those who hold good profile. But if you have a fire in you and we see that you wanted to learn something different, we will definitely give you an opportunity to join. More importantly, my mobile numbers, which is +91 98 99 242 978. My alternate number +91 98 18 485 155. Both are in the public domain. They both are on WhatsApp. You are welcome to WhatsApp me at any point of time. Do not forget that we are the only platform when it comes to private placement, and there are so many things we are offering in private placement and many things which we are adding. Overall, Treasury Consulting is currently a Singapore multinational headquarter group, which would soon be London headquarter group, and Singapore would be Southeast Asia headquarter for Treasury Consulting. Our fixed income platform, www.fixedincome.global, cover a lot of information. We once again thank you very much for watching our videos, and we assure you that our both YouTube channels, which is Foreign Exchange Maverick Thinkers and which is Treasury X, and our TikTok channel would continue to grow. We are expecting around 6,000 plus videos only in 2020 and around 5,000 plus videos next year onwards on YouTube. And God willing, by 2020 December, we would be crossing hell lot of videos. Have a great time, and once again thank you very much. And our ambition of becoming or serving you or giving you a knowledge which books even do not give would continue. Have a great time.